हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। राधे कृष्णा, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ। आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो गई है सुबह के 6:45 बजे से, और बाहर है आज बुधवार, तो ये मेरा बुधवार का ब्लॉग है। और आज उठने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया है फ्रेंड्स। आज मैं उठी थी सुबह 5:30 बजे, और 6:45 बजे से मैंने अपना ब्लॉग शुरू किया है, और 15 मिनट में जो मेरे सुबह के काम होते हैं ना, फटाफट निपटाए और आ गई थी सीधा किचन में, और लग गई हूँ बच्चों के टिफ़िन की तैयारी में। और बच्चे भी उठ गए थे साथ साथ ही, और सुबह उठते के साथ ही आ गया था मेरा छोटा भाई। तो यहाँ देखिए तीनों मस्ती कर रहे हैं बाहर, और मैं यहाँ बच्चों का टिफिन की तैयारी में लगी हुई हूँ। और आज बच्चों को टिफिन में दूंगी मैं आलू स्टफिंग सैंडविच। तो यहाँ सैंडविच के लिए स्टफिंग तैयार करूंगी। तो मैंने आलू उबाल के और छील के रख दिए हैं साइड में, मैश भी कर दिया है, और मैं यहाँ तड़का तैयार कर लूँगी। तो यहाँ कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाल दिया है, ऊपर से जीरा, हींग, सौंफ वगैरह डाल के तड़का लगाया है, और प्याज, हरी मिर्ची भी वगैरह भी डाल दी थी मैंने। और फिर मैंने डाल दिया है इसमें आलू मैश किया हुआ, फिर ऊपर से हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर वगैरह सब डाल के मिला दिया है, और आधा नींबू का रस डाला है मैंने। तो टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है नींबू का रस डालने से। और यहाँ पर देखिए स्टफिंग तैयार हो गई थी, तो डोने में निकाल लिया है, और मैं ब्रेड के बीच में अच्छे से स्टफिंग भर दूँगी। और इनको नॉन स्टिक तवे पे देसी घी दोनों साइड में लगा के क्रिस्पी होने तक इनको पका लूँगी मैं। और देखिए मैंने दोनों साइड में घी लगा दिया है, एक साइड से अच्छे से पक गए थे तो मैंने पलट दिया है, और इस सैंडविच बन के तैयार होता है। तब तक मैं यहाँ बादाम वाला दूध बना लूँगी, और बादाम तो आज बच्चों ने छील दिया था फ्रेंड्स। बच्चे साथ साथ उठ गए थे तो मेरी थोड़ी सी हेल्प हो गई है, तो यहाँ बच्चे बादाम छील दिए थे, तो यहाँ देखिए फटाफट से मैंने बादाम वाला दूध भी बना लिया है। तो यानी कि मेरे काम में थोड़ा सा सुबह सुबह थोड़ी सी हेल्प हो जाए ना, तो फटाफट से काम निपट जाए। और देर उठने के बाद भी है ना, मैंने फटाफट से बच्चों का ब्रेकफास्ट और लंच तैयार कर दिया है, और बादाम वाला दूध बन गया था तो मैंने मिक्सी को उठा के रख के दिया है अंदर में। और यहाँ पे देखे मैंने सैंडविच को काट दिया है बीच में से, और इधर में मैं सबके लिए ब्रेकफास्ट लगा दूंगी, और बच्चों का टिफ़िन भी तैयार कर दूंगी। और अभी है ना बच्चे भी पूरी तरह से स्कूल के लिए रेडी हो गए हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए मैंने सारे सैंडविच बीच में से काट दिए हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी सैंडविच बनके तैयार हो गए हैं। आ जाइए फ्रेंड्स, आप सब भी ब्रेकफास्ट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ बच्चों को दे दिया है ब्रेकफास्ट, तो यहाँ बच्चों ने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, और ब्रेकफास्ट करते के साथ ही आ गई थी बच्चों की वैन, तो बच्चे भी चले गए हैं फ्रेंड्स, और साथ में ही भाई भी चला गया है। तो देखिए भाई जा रहा है, भाई क्यों आया था, भाई अपनी गाड़ी लेने के लिए आया था। तो भाई की गाड़ी हमारे यहीं पर पार्किंग में ही रहती है, और जब ज़रूरत पड़ती है तो भाई आ जाता है, ले जाता है। तो भाई भी चला गया था साथ साथ में। और अभी देखिए मेरा पूरा घर फैला हुआ है, लेट उठने की वजह से आज मेरा सारा काम फैला रह गया है, पर यह है कि बच्चों को मैंने टाइम से तैयार करके दे दिया सारा काम। और फिर मैं बच्चों के जाते के साथ ही लग गई हूँ घर की साफ़ सफाई में। तो यहाँ सबसे पहले मैं हॉल की क्लीनिंग करूँगी, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं सोफ़े कवर वगैरह अच्छे से झाड़ के बिछा दूँगी। तो लेट उठने की वजह से भी फ्रेंड्स मैंने सारे काम टाइम पे उसी टाइम पे मैंने फिनिश किए हैं। बस यही मेरी छोटी छोटी आदतें हैं जिससे कि मेरा घर साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रहता है। तो देखिए यहाँ सोफ़े के कवर झाड़ने के बाद में लगा लूँगी मैं पूरे घर में झाड़ू। तो झाड़ू मैंने 15-20 मिनट के बाद में लगानी शुरू की थी, क्योंकि सुबह सुबह जब भी कोई घर से बाहर जाता है ना फ्रेंड्स, तो तुरंत में हमें झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए, तो मैं कभी भी नहीं करती हूँ ऐसा। तो यहाँ देखिए बच्चों को गए हुए 15-20 मिनट हो गए थे, तो तभी मैंने यहाँ झाड़ू लगानी शुरू की थी। तो यहाँ पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा ली है, और अब मैं लगाऊंगी पूरे घर में पोछा। तो झाड़ू के साथ में डस्टिंग भी साथ साथ में ही कर दी थी मैंने, और अब मैं पूरे घर में पोछा लगा लूँगी। तो क्या है ना कि सुबह सुबह साफ़ सफाई का भी बहुत सारा काम होता है फ्रेंड्स। तो यह जल्दी उठ जाती थी, तो मैं बच्चे जब रहते थे तभी मैं ये सारे काम निपटा लेती, पर आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था, पता नहीं आँख क्यों नहीं खुली है, कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो यहाँ देखिए मैंने तीनों रूम में भी पोछा लगा के आ गई थी सीधा किचन में, और अब यहाँ किचन में भी पोछा लगा दूंगी। किचन की क्लीनिंग भी मैंने कर दी थी, तो यहाँ पर क्लीनिंग का बहुत सारा काम हो जाता है हमारे पास में। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरे घर में लगा लिया है पोछा, और अब मैं सीधा बालकनी में पोछा नहीं लगाती हूँ, तो पूरे घर में पोछा लगाने के बाद आ गई थी सीधा बालकनी में। तो यहाँ बालकनी में पोछा नहीं लगाऊंगी मैं, कभी कभी पोछा लगा देती हूँ, वैसे तो मैं पानी डाल के ही धोती हूँ बालकनी को। तो जो पोछे का पानी था वो मैंने बालकनी में डाल दिया है, और एसी चलता है ना, तो एसी का एक बाल्टी पानी निकल जाता है सारे दिन में, तो ये बाल्टी भरी हुई थी, तो मन की पानी को वेस्ट करने से बढ़िया है ना तो कि मैं बालकनी को धो देती हूँ, जिससे कि पानी भी यूज़ में आ जाएगा,
वैसे भी पानी को किल्लत हो रही है इस टाइम पे, तो बूंद बूंद पानी बचाना चाहिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखे एसी का जो वेस्टेज पानी निकलता है ना, वो सारा मैंने बालकनी धो दी है और यहाँ पे क्लीनिंग भी हो गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी ये सारी साफ सफाई करने के बाद, नहाने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से। गुड मॉर्निंग राधे कृष्णा, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो अभी टाइम हो गया सुबह के 11 बज गए हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा घर का सारा काम भी हो गया है, मेरा नहाना धोना पूजा वगैरह सब हो गई है और आ गई हूँ मैं किचन में। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट भी डाली है फ्रेंड्स, और ब्रेकफास्ट में है आलू स्टफिंग सैंडविच और ये है ठंडी ठंडी खीर जो मैंने रात को बनाई थी। और किस किस को ठंडी खीर अच्छी लगती है फ्रेंड्स, कमेंट में जरूर बताइए, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए खा लेते हैं। और आज का ब्रेकफास्ट लेट भी काफ़ी हो रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि आज सारे काम ही मेरे लेट हुए हैं। आज मैं उठने में थोड़ा सा लेट हो गई थी, आज मैं उठी थी 5:45 बजे। तो सबसे पहले मेरा ज़रूरी था बच्चों का काम करना, उसके बाद में मैं सारे काम किए हूँ आज, और बच्चों के जाने के बाद में ही सारे काम हुए हैं मेरे। तो चले, मन की भूख भी लगी आई है और बादाम वाला दूध पी लिया था मैंने पहले ही, तो मन की अभी ब्रेकफास्ट में यही करते हैं। तो आप सब भी आ जाइए फ्रेंड्स, आलू स्टफिंग सैंडविच खा लीजिए। और आज बच्चों को लंच में भी यही दिया है मैंने, तो मन की मेरे लिए भी रख लिया था थोड़ा सा, तो मन की चलो मैं भी खा लेती। तो आप सब भी आ जाइए, ब्रेकफास्ट कर लीजिए। तो मिलती हूँ ब्रेकफास्ट करने के बाद में। तो फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट भी हो गया मेरा और मज़ा आ गया ठंडी ठंडी खीर खा के। और अब मैं बर्तन साफ कर लेती हूँ और अभी लंच तो नहीं बनाऊंगी, कोई खाएगा तो बनाऊंगी या फिर बच्चों के आने के बाद में ही बनाऊंगी फ्रेंड्स, मैं तो नहीं खाने वाली हूँ, क्योंकि आज मेरा ब्रेकफास्ट भी लेट ही हुआ है। और सुबह में मेरा भाई भी आ गया था फ्रेंड्स, मेरा छोटा वाला भाई भी आया था, और फिर बस उसी बीच में मैं मन की चलो आप सबसे बाद में ही बात करूंगी, और सबको जाने के बाद में फिर घर के काम में लग गई। और अभी देखिए मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, बस बूंदाबांदी होती है फिर चली जाती है, गर्मी करके चला जाता है, पर मौसम अच्छा हो रखा है, धूप नहीं है बिल्कुल भी। तो चलिए फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो में एंड तक। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीज दीजिए और सपोर्ट कर दीजिएगा फ्रेंड्स, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और सारे दिन का रूटीन शेयर करूंगी छोटी छोटी क्लिप में आप लोगों के साथ में, तो चलिए बने रहिए। और अभी मैं देखती हूँ, कुछ काम है तो करूंगी, नहीं तो अभी मेरे पास में फिलहाल कुछ भी काम नहीं है, बस मुझे ये थोड़े से बर्तन साफ करने हैं और कोई भी काम नहीं है मेरे पास में। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। फ्रेंड्स, 2:45 बज गए हैं और बच्चे भी आ गए स्कूल से, सबर नहीं है इनको, बैल बजाए जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं, ये देखे जल्दी खोलो, गर्मी हो रही है ना इसी वजह से, जल्दी खोलो। क्या हो गया? बैग इतना भारी होता है ना, तो आते के साथ में देखे कैसे बैग को फेंकते हैं ये लोग। और मैं आटा वाटा गूंद के रखी हूँ बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए, तो ये देखे दोनों आ गए हैं। और इधर मैं आटा गूंद के मैंने ढक के रखा हुआ है और मैंने खाया नहीं है, क्योंकि मुझे तो भूख ही नहीं थी, तो मैंने खाना अपने लिए बनाया भी नहीं है। तो अभी मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए, और बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से, क्योंकि फ्रेंड्स गर्मी भी हो रही है, ऊपर से बैग इतना भारी होता है इनके पास। तो फ्रेंड्स, बच्चों के लिए खाना भी बना दिया है मैंने, गर्मा गर्म रोटियां तो डाल दिया है मैंने, और इधर में आयुष डाल रहा है खीर, तो ये भी खीर खाएगा ठंडी ठंडी, मैंने तो खा ली थी। और अभी देखिए अनुषा भी कपड़े चेंज कर लिए, और आते के साथ में इनका टीवी ऑन हो गया है, बस पता नहीं स्कूल में भी कैसे रहते हैं ये लोग। तो चलिए अब खाना खा लेते हैं ये, और अब खाना खाते के बाद में ये सो जाएंगे और मैं भी थोड़ा सा रेस्ट करूंगी। तो चलिए मिलेंगे अब आपसे इवनिंग में, तो तब तक बने रहिएगा। फिर शाम के 5:30 बज गए हैं और मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे मैंने अपनी इवनिंग चाय भी बना ली है फ्रेंड्स, और बच्चे अभी तक सोए हुए हैं। मैं भी सोने की बहुत कोशिश की थी पर नींद ही नहीं आई मुझे, मेरा सर इतना भारी हो रहा था ना, तो मैंने कि चलो चाय बना के पी लेते हैं। तो चाय हमारी बन गई है फ्रेंड्स, तो कप में डाल लेती हूँ मैं इसको, तो आप सब भी आ जाइए इवनिंग चाय पी लीजिए। तो कप में डाल लेती हूँ चाय को, आ जाइए फ्रेंड्स, चाय मैंने डाल ली है कप में। और सुबह तो नहीं पीती हूँ मैं चाय, पर शाम को जरूर पीती हूँ एक कप चाय, तो क्योंकि चाय नहीं पीती हूँ तो मेरा सर इतना भारी भारी रहता है ना, समझ में नहीं आता, पर सुबह बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है मेरी चाय पीने की, तो मैं शाम को ही पी लेती हूँ एक कप बना करके। और आ गई हूँ मैं बालकनी में, तो बाहर का मौसम भी अच्छा हो रखा है, यहीं खड़े होकर चाय पी लेती हूँ मैं,
और फिर लग जाऊंगी शाम के खाने की तैयारी में। शाम के काम भी काफ़ी हो जाते हैं ना फ्रेंड्स, अभी कपड़े वगैरह भी उतारने हैं और आज कपड़े भी नहीं सूखे हैं, देखिए कपड़े गीले ही टंगे हुए हैं, आज धूप नहीं है ना आज इसी वजह से। तो चलिए चाय पी लेती हूँ पहले। तो फ्रेंड्स चाय मेरी हो गई है और चाय पीने के बाद लग गई हूँ शाम के खाने की तैयारी में। और आज के खाने में मैं बना रही हूँ मिक्स दाल, तो यहाँ दाल बनाने की मेरी सारी तैयारियाँ भी हो गई हैं, तो फटाफट से दाल बना लेती हूँ। और आज दाल को मैंने उबाला नहीं है फ्रेंड्स, आज बिना उबाले ही डायरेक्ट तड़का लगा के दाल को बना रही हूँ। और आज मुझे सब्जी में कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा चलो दाल ही बना लेती हूँ। और मेरे घर में दाल सब लोग पसंद करते हैं, तो हफ्ते में 2-3 बार मैं दाल बना लेती हूँ। और रोज़ का टेंशन है फ्रेंड्स, रोज़ सब्जी में क्या बनाऊँ कुछ समझ भी नहीं आता है मुझे, तो मैंने कि चलो आज दाल ही बना। दोनों टाइम में कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ता है, सुबह बच्चों का स्कूल होता है तो भी कुछ बनाना पड़ता है। तो यहाँ दाल में मैंने तड़का लगा दिया था और कुकर बंद करके आ गई थी मैं पूजा करने के लिए, तो यहाँ पर मैं संध्या पूजा कर लूँगी। तो फ्रेंड्स आप सब भी आरती ले लीजिए और भगवान आप सबकी मनोकामनाएँ पूरी करें। और मंदिर में दिया लगाने के बाद में आ गई थी मैं तुलसी में दिया लगाने के लिए, तो यहाँ दोनों जगह मैं पूजा करती हूँ। और इधर में पूजा की तब तक यहाँ कुकर में गैस भी भर गई थी, तो क्या ना कि कुकर की सीटी ख़राब हो रखी है, तो सीटी को थोड़ा दबाना पड़ता है तब जाके इसमें सीटी लगती है। और दाल बन गई थी तो यहाँ पे मैं लग गई थी रोटियाँ बनाने के लिए, तो फटाफट से गर्मा गर्म रोटियाँ बना लेते हैं। तो आ जाइए फ्रेंड्स आप सब भी खाना खा लीजिए। हमारा खाना पीना सब हो गया है और टाइम हो गया है, 10 बज गए हैं, तो मेरा किचन का भी सारा काम हो चुका है फ्रेंड्स, बर्तन वगैरह भी साफ कर लिए हैं, किचन को भी क्लीन कर दिया है। और इधर में मैं बना रही हूँ भैया के लिए चाय, तो यहाँ पे देखिए चाय बन रही है, इसमें चाय पत्ती वगैरह डाल देती हूँ और चाय बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स चाय भी बन गई है, तो कप में डाल देती हूँ चाय को। आ जाइए फ्रेंड्स चाय पी लीजिए। रात में चाय चाय कौन कौन पीता है कमेंट में बताइए फ्रेंड्स, तो मैं भैया को चाय देके आती हूँ। तो फ्रेंड्स भैया को चाय भी देके आ गई हूँ और इधर में बादाम भी भिगो दिए मैंने। और अभी अनुषा ने खाना नहीं खाया है तो उसका भी इंतजार कर रही हूँ, ट्यूशन के बाद भी खाएगी अनुषा खाना। तो अभी देखिए सब्जी मैंने पतीले में डाल दी है और रोटी बना के रख दी है मैंने टिफिन में, तो अभी ट्यूशन के बाद खाएगी अनुषा खाना। चले मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में। तो फ्रेंड्स ट्यूशन टीचर भैया भी चले गए हैं बच्चों को पढ़ा करके और टाइम हो गया है 11:45 बज गए हैं और बर्तन भी उठा के ले आई हूँ बाहर से। और अब अनुषा को भी खाना डाल देती हूँ, आज अनुषा ने खाना नहीं खाया, हम सब ने खाना खा लिया है, तो चलिए अनुषा को डाल देती हूँ पहले खाना और उसके बाद में एक साथ में सारे बर्तन साफ कर लूंगी। और आज मुझे बाहर से कपड़े भी नहीं उतारे हैं, वहीं पे रस्सी पे डाल दिए मैंने, क्योंकि बारिश की वजह से ना कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं, है ना, तो वहीं रस्सी पे डाल दिए। तो अभी मैं फिर यहाँ सोफे पे डाल दूंगी और रात भर पंखा चला के छोड़ूंगी ना, तब जाके कपड़े सूखेंगे। मैं अनुषा को पहले खाना डाल देती हूँ। तो फ्रेंड डाल दिया है अनुषा को खाना और ये देखिए लेकर आ गई है बाहर। और भैया को जाते के साथ में ही टीवी ऑन कर लिया इन्होंने। और अनुषा देखिए आज 11 बजे खाना खा रही है, है ना, हम सबका तो पहले ही हो गया था। और बाहर में देखिए अंधेरा हो गया है, लाइट चलाती और देखिए कपड़े भी नहीं सूखे हैं, तो ये सारे कपड़े है ना अंदर डालूंगी सोफे पे और पूरी रात पंखा चलेगा ना तब जाके सूखेंगे ये कपड़े। और अभी मेरा सारा काम फिनिश हो गया है फ्रेंड्स, तो चलिए आज के ब्लॉग का यहीं तक एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और थकान भी काफ़ी हो गई है और आज मुझे हेडेक भी हो रहा है ना, तो चलिए सोती हूँ मैं, आराम करूँगी। तो चलिए मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय मेरी यूट्यूब फैमिली, गुड नाइट, थैंक यू सो मच वीडियो को फुल वॉच करने के लिए।